दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय दिग्गजों ने करी ऐसी मांग जिसे सुनकर क्रिकेट जगत में मच गया बवाल। आखिरकार भारतीय दिग्गजों ने ऐसी क्या मांग कर दी है जिसमें सभी के होश उड़ा दिए हैं। तो दोस्तों, जाने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है बेहतर कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम आईपीएल समाप्त होने के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने वाली है और इन 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने कई युवा खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया है, तो वहीं कई अनुभवी खिलाड़ियों को टीम से आराम दिया गया है और इस सीरीज में भारतीय टीम अपनी भारतीय सरजमी पर ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरी की पूरी सीरीज विभिन्न विभिन्न खिलाड़ियों के साथ मैदानों पर खेलेगी। और इसके अलावा भारतीय टीम 5 जून को पहले मुकाबले के लिए दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में पहुंचेगी, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की टी20 सीरीज 9 जून से प्रारंभ होकर 19 जून तक चलेगी, जिसके लिए दोनों ही टीमें जमकर तैयारी कर रहे हैं। और इसी बीच भारतीय दिग्गजों ने एक हैरान कर देने वाली मांग की है, जिसमें सुनील गावस्कर ने कहा है कि भारतीय टीम को अगर साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए जीत दर्ज करनी है तो उसके लिए हार्दिक पांड्या को कप्तान बना देना चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या को जिस तरीके से प्रदर्शन करते हुए देखा गया है आईपीएल के टूर्नामेंट में, वो गजब ही रहा है, वो शानदार रहा है। गुजरात की टीम को चैंपियन बनाया है उन्होंने और शानदार कप्तानी करते हुए सभी का दिल जीत लिया है। और उसी तरीके से हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे और वहीं भारतीय टीम की जीत में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, क्योंकि भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका से मिली पिछली हार का बदला भी तो लेना है। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम का कप्तान साउथ अफ्रीका दौरे के लिए बना देना चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से शानदार कप्तानी करते हुए गुजरात जैसी कमजोर टीम को आईपीएल का खिताब जिताया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है और सबको हैरान कर देने वाला है। और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या आने वाले समय में भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं और जिस तरीके से उनकी कप्तानी में उनका बेहतरीन प्रदर्शन भी देखने को मिला है, उसके लिए भारतीय चयनकर्ताओं को हार्दिक पांड्या को कप्तान बना देना चाहिए, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी आ जाने से उनके प्रदर्शन में बहुत ही ज्यादा निखार हो गया। तो वहीं हरभजन सिंह ने कहा कि हार्दिक पांड्या ने गुजरात की टीम को अपने शानदार कप्तानी के दम पर चैंपियन बनाया है और हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने के बाद उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में बहुत ही ज्यादा निखार आया है और जिस तरीके से उनका शानदार प्रदर्शन फाइनल मुकाबले में देखा गया है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या को अब भारतीय टीम का कप्तान बना देना चाहिए। चलिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका फॉर्म का पहला भारतीय चयनकर्ताओं को उठा लेना चाहिए और साउथ अफ्रीका दौरे के लिए अनुभवी खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहिए, इसके लिए हार्दिक पांड्या सबसे बेहतरीन विकल्प कप्तानी के लिए माने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम का कप्तान बना देना चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।